बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टूडेंट को ज़्यादा तंग करती हैं कैलकुलेशन, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक वो एक्रूअल्स की कैलकुलेशन तंग करती हैं। हमने इब्तदाई तौर पर एक्रूअल्स के बारे में कुछ बुनियादी डिस्कशंस कर रखी। स्टूडेंट ना जाने क्यों एक्रूअल्स की बुनियादी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के बजाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सब्सक्रिप्शन अकाउंट को रट्टा लगाना शुरू हो जाते हैं और फिर कहते हैं वही सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो बहुत मुश्किल है, वो कैसे होगा ये, जबकि जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है उसका वही एक्रूअल बेसिस है। क्या आपने एक्रूअल बेस्ड मेजरमेंट करना होती है इस इनकम की, सब्सक्रिप्शन। ये आज के लेक्चर में मैं सब्सक्रिप्शन से मुतल्लक कुछ थोड़ी सी बातचीत करूंगा, कुछ मेंबरशिप फी से मुतल्लक बातचीत करूंगा और फिर उसके बाद हम फुल फ्लेज क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में से। सब्सक्रिप्शन अकाउंट से मुतल्लिक ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए। एट 31 मार्च 2016 एट मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इन एवरी ईयर अमाउंटिंग टू ₹48,000 एंड रिसीव्ड 12,000 सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। अब ये बात उसने कही है 31 मार्च को कि उसके पास सब्सक्रिप्शन इन एरियर 4800 है और 1200 सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इस डेट पर। 31 मार्च 17, इसका मतलब है और रिक्वायरमेंट में भी पढ़ के देखने से पता चलता है कि हम 31 मार्च 2017 को जो साल एंड हो रहा है उसकी हम अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, तो वो जो बैलेंसेस थे ओपनिंग थे। द क्लब रिसीव्ड 624 इंक्लूडिंग 26 मेंबरशिप्स फॉर द ईयर टू 31 मार्च 18, 1200 पर एनम, ठीक है। एट 31 मार्च 17, 16 मेंबर्स ओड सब्सक्रिप्शन ऑफ 1200 ईच। अब थोड़ी सी वर्किंग इसमें इन्वॉल्व है, ज़रा टिक टिक करें, मैं देखूं आप लोगों की अप्रोच किया, उसके बाद फिर हम काम शुरू करते हैं इसके ऊपर। सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपने बनाना है, सब्सक्रिप्शन लेजर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन एक इनकम है, उसमें आपने देखना है कि आपकी क्या अमाउंट एक्रू हो रही है, कितनी रिसीव्ड इन एडवांस है, कितनी इनकम में रिकग्नाइज की जाएगी। आपने जो आइडेंटिफाई करना है वो ओपनिंग, ओइंग, क्लोजिंग ओइंग की इंफॉर्मेशन एंड ओपनिंग एडवांस एंड क्लोजिंग एडवांस की इंफॉर्मेशन आपने आइडेंटिफाई करनी है। आपको मालूम है सब्सक्रिप्शन इनकम ओइंग मीन्स ये आपके लिए एसेट होती है और एडवांस जो होती है, सब्सक्रिप्शन जो रिसीव एडवांस में हो चुकी होती है वो लायबिलिटीज। चलिए प्लीज, और कैश जो आपको रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर दैट इज 624,000। आसान सा सिनेरियो 576, ओके, ओपनिंग ओइंग कितनी है जी? 48। क्लोजिंग ओइंग
जी क्लोजिंग ओइंग 19,200 ओके ओपनिंग 12 ओके एंड क्लोजिंग एडवांस 31.2 ओके आप इसको यू सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर देख रहे हैं ओके अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे जर्नल एंट्रीज बताएं अब तो टी अकाउंट आपके सामने है वो जर्नल एंट्रीज जो इनकम के अंदर क्लोज हो रही हैं या एडजस्ट हो रही हैं और सब्सक्रिप्शन से मतलब जो भी आपकी जर्नल एंट्रीज हैं क्या आप उसको अकाउंट फॉर कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल द अमाउंट दैट वी हैव रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कैश डेबिट एंड सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट अमाउंट इज 624 ऐसे ही है बेटे आपको 624 का कैश रिसीव हुआ ना सब्सक्रिप्शन इनकम के तौर पे आपने उसको सब्सक्रिप्शन इनकम में क्रेडिट कर दिया उसके बाद ओपनिंग डेट पर जो आपका सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल था चूंकि वो इसमें रिसीव हुआ और इनकम के अंदर आप क्रेडिट कर चुके हैं अब आप क्या करेंगे ओपनिंग रिसीवेबल को ख़त्म करें और इनकम को उससे रिड्यूस करें क्योंकि जितना भी रिसीव हुआ सारा का सारा इनकम में क्रेडिट कर दिया आपने आप सब्सक्रिप्शन इनकम को डेबिट करें और ओपनिंग ओइंग जो था ओपनिंग डेट पर जो आपको ओ कर रहे थे सब्सक्रिप्शन जो रिसीवेबल थी ओपनिंग डेट पे वो चूंकि रिसीव हो चुकी है अब उसको एसेट ना रहने दें एसेट खत्म करें उसको कितनी अमाउंट से 48 से थी जी वो और ओपनिंग डेट पर जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस थी वो आपकी पिछले साल रिसीव हुई भी थी और अनअर्न्ड इनकम के तौर पे लायबिलिटी में मौजूद थी उस लायबिलिटी को खत्म करने के लिए डेबिट करें ओपनिंग एडवांस एडवांस इनकम आप बनी हुई होती है उसको खत्म करना है डेबिट करें और सब्सक्रिप्शन इनकम को क्रेडिट कीजिए 12 से और आप देखिए क्लोजिंग डेट पर आपकी कितनी सब्सक्रिप्शन ड्यू है अभी तक जो रिसीव नहीं हुई इनकम तो है एक्रुअल बेसिस पे अगर उसको देखा जाए तो आप उसकी अकाउंटिंग क्या करते हैं क्लोजिंग ओइंग आपका रिसीवेबल है डेबिट एंड सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट दैट इज 19.2 एंड वो सब्सक्रिप्शन जो आपने ड्यूरिंग द ईयर ज्यादा रिसीव कर लिया आपकी इनकम्स में 624 में शामिल है क्रेडिट होगी भी है उसको अब आप एडवांस के तौर पे यहां से बाहर निकल मीन्स लायबिलिटी बनाए उसे आप सब्सक्रिप्शन इनकम डेबिट एंड क्लोजिंग एडवांस क्रेडिट एंड द अमाउंट इज 31.2 अब ऐसा कर चुकने के बाद बेटे ऐसा कर चुकने के बाद आपके पास जो इनकम है उसको क्लोज करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर यहां से उठाएं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेकर जाएं वो क्लोज होगा सब्सक्रिप्शन इनकम
डेबिट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट। वो जो अमाउंट आपकी 576 की इनकम बनी है उसको अब आप क्लोज करें। ठीक है बेटे जी, बातें समझ में आती हैं? ये एंट्रीज जहन नशीन कर लें, समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ आए तो पूछें। शुरू में समझा देता हूं। हसनैन कह रहे हैं नो सर समझ नहीं आई सही से। वाओ अच्छा, अखे आपको भी नहीं समझ आई। ओह ओह आ जाओ बेटे आ जाओ। तो इसका मतलब है हमें एक्रूअल्स नहीं आता। एक्रूअल्स तो आया गया हो गया, आता है जाता है बच्चों जी मुझे बताइए, बचपन में सीखा था इनकम रिसीव्ड की अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। चलो हमें कितनी इनकम रिसीव हो रही है? 624। अब मेरे साथ साथ रहना है आपने, बराबर बराबर रहना है, आगे पीछे नहीं जाना, आपको एग्जैक्टली मेरे अल्फाज और मेरे लिखने के बराबर रखना है आपने। एग्रीड? अब इसमें अगर आपको पता चले कि कुछ ऐसी सब्सक्रिप्शन थी जो पिछले साल की इनकम थी और पिछले साल रिसीव नहीं हुई थी, वो पिछले साल की क्लोजिंग डेट पर रिसीवेबल थी, वो इस साल रिसीव हो गई, 624 में वो शामिल है। दोबारा से कहूंगा अपने दिमाग को मेरे बराबर रखें वरना बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका। अब मौका इसके बाद फिर आपको नहीं मिलना समझने का, अपने एंटीना जरा सीधे करें, ठीक है? ओके हाँ, और मेरे अल्फाज के साथ अपने दिमाग को लेके चलें। 624 आपको इनकम रिसीव हुई, इनकम में क्रेडिट कर दी, पता चला इसमें तो 48 इस साल की इनकम हमने गलत क्रेडिट कर दी है। क्यों? क्योंकि तो पिछले इनकम रिसीव हुई है हमें, वो तो पिछले साल इनकम में क्रेडिट हो चुकी हुई थी, वो तो उसके अगेंस्ट रिसीवेबल डेबिट हुआ हुआ था, तो वो जो हमें 48 रिसीव हुआ है वो ओपनिंग ड्यू रिसीव हुआ है, ना कि साल की इनकम रिसीव हुई है। देयरफॉर ओपनिंग ड्यू जो रिसीव हुआ है, जैसे डेटर रिसीव होते हैं, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट करते हैं, हमने ओपनिंग ओइंग को क्रेडिट करना था, गलती से इनकम को क्रेडिट कर दिया, अब इनकम को डेबिट करें और ओपनिंग ओइंग को क्रेडिट करें। इन दो को पहले डाइजेस्ट करें, जो बात मैं कह रहा हूं समझ में आ रही है? इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर आइदर दैट वॉज बिलोंगिंग टू द करंट ईयर और नॉट, दैट वॉज 624। आउट ऑफ दैट 624, 48 वॉज द इनकम दैट वॉज इन फैक्ट बिलोंगिंग टू द प्रीवियस ईयर, वी रिसीव्ड इन द करंट ईयर, शुड नाउ बी आउट ऑफ दिस इनकम। वेन वील बी टेकिंग आउट ऑफ दिस इनकम, इनकम को डेबिट करेंगे, क्रेडिट किसे करेंगे? जो रिसीवेबल था आपका, रिसीवेबल रिसीव हुआ है ना, इनकम रिसीव नहीं हुई, रिसीवेबल रिसीव हुआ है, तो उस रिसीवेबल को क्रेडिट करें ओपनिंग गोइंग। इनकम ओ जब होती है तो रिसीवेबल होती है, इसको आप रिसीवेबल लिख दीजिए अपने साथ। फिर हमें यह पता चला हमारी ओपनिंग एडवांस की एक अमाउंट पड़ी हुई थी लायबिलिटी में, जो पिछले साल हमें एडवांस में इनकम रिसीव हुई थी, इस साल की उसको पिछले साल की इनकम में शामिल नहीं होने दिया था, हमने पिछले साल कैश को डेबिट करके एडवांस सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट किया हुआ था, वो एडवांस सब्सक्रिप्शन पिछले साल की बैलेंस शीट में लायबिलिटी में नजर आ रही थी अनअर्न्ड इनकम के नाम से, उसको इस साल इनकम बनाओ, वो लायबिलिटी में क्यों पड़ी हुई है? तो लायबिलिटी को खत्म करके जब इनकम बनाएंगे तो लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी। अपने दिमाग मेरे अल्फाज के बराबर रखो,
लायबिलिटी को जब खत्म करेंगे तो लायबिलिटी डेबिट होगी ना, और इनकम बनाएंगे तो इनकम क्रेडिट होगी। ये लायबिलिटी डेबिट, इनकम क्रेडिट। ओके वेल, मुझे बताइए सब बच्चे, ऑनलाइन बच्चे या फिजिकल बच्चे, ये तीन जो हाईलाइट किए हैं अकाउंटिंग एंट्रीज, ये ग्रिप में आ गई हैं? Yes, पक्का। ओके हसनैन, ऑनलाइन बच्चा? यस सर, समझ आ गया। एक्सीलेंट बेटा, सेफ बी गुड। अब अगली दो एंट्रीज पे आपने फोकस करना है। नेक्स्ट तो सिक्स्थ वन है, उसको लास्ट में करूंगा मैं बात। नेक्स्ट टू एंड ऑफ द ईयर पे आपको पता चला कि 19.2 इस साल से ताल्लुक रखती है, लेकिन रिसीव ही नहीं हुई। हम तो इंतजार ही करते रहे कि कैश आएगा, आया ही नहीं। अब क्या करें, इनकम बनाओ भाई, डेबिट करो इनको, रिसीवेबल को डेबिट करो, जस्ट जैसे क्रेडिट सेल्स की अकाउंटिंग एंट्री किया करते हैं। क्या करते हैं, डेटर्स को डेबिट करते हैं, सेल्स इनकम को क्रेडिट करते हैं ना। वो सेल्स हम कर चुके होते हैं लेकिन कैश नहीं आया होता, वो बाद में देख लेंगे, उसको आप बैड डेट कर देंगे या जो भी करेंगे, वो बाद की कहानी है, वो आएंगे आगे सिनेरियोस। ओपनिंग ड्यू था, रिसीव ही नहीं हुआ, हमने सोचा कि बैड कर दो, हमने बैड कर दिया, वो करेंगे। लेकिन फिलहाल क्लोजिंग डेट पे पता चला 19.2 की सब्सक्रिप्शन है इस साल से मुतल्लक, कैश नहीं रिसीव हुआ, रिसीवेबल को डेबिट करो, इनकम को क्रेडिट करो, कर दिया, ओइंग रिसीवेबल के तौर पे डेबिट हो गया, इनकम क्रेडिट, मेरे इनकम्स में इंक्रीज हो गई। यस और नो? पक्के वाला यस? गुड। अब पता चला ओई 0.2 जो है हमारी इस साल की इनकम नहीं थी, हमने तो एडवांस में रिसीव की थी अगले वाले साल के लिए, हमने तो गलत इनकम में शामिल, इनकम से बाहर निकालो भाई, जल्दी 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 जल्दी। इनकम से बाहर निकालने का मतलब इनकम को डेबिट करना है ना, इनकम की नेचर क्या, क्रेडिट, बाहर निकालने का मतलब उसको डेबिट करना है ना, रिड्यूस करना है ना, डेबिट किया। अब क्रेडिट क्या करना है, लायबिलिटी बनाओ ना उसे, एडवांस में रिसीव की हुई है भाई, इनकम जो एडवांस में रिसीव की हो वो लायबिलिटी होती, अनअर्नड, वो सॉरी आपकी रिसीवेबल, आपकी इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, और ये इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, अनअर्नड आपकी, ठीक है। तो ये दो बातें मैंने आपसे की, पहली बात यहां पे कही थी इनकम अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, रिसीव्ड, और ये इनकम रिसीव्ड बट नॉट येट अर्नड, तो अनअर्नड बना दिया, अनअर्नड लायबिलिटी है। ओके यस सर, यहां तक इनकम हमारी पूरी हो गई, हमने बैलेंस किया तो हमारे पास 576 की इनकम आ गई। अब इनकम का जो बैलेंस है उसने अल्टीमेट, ये तो अपने घर में इनकम सब्सक्रिप्शन के घर में बैठी हुई है ना, उसको सब्सक्रिप्शन निकाल के कहाँ पे प्रेजेंट करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेकर, जो बड़े घर में, ठीक है ना, जहां पे सॉरी इनकम्स इकट्ठा खेलती हैं और एक्सपेंसेस उन्हें तंग करते हैं, हैं? वो बड़े घर में जाओ, तमाम इनकम्स के साथ उनको शामिल करने के लिए इस छोटे घर से निकालो, इनकम के घर से बाहर निकालने के लिए उसको डेबिट करो, और वो बड़ा घर जो इनकम एक्सपेंडिचर है उसको क्रेडिट करो। सर अब समझ आई है? गुड जी भाई, ऑनलाइन बच्चास, हसनैन, सबा, सैफ, जैनब, जुरियाब जी, बेटे जान, आ रही है अभी, अभी रास्ते में है, मुकम्मल समझ नहीं आई। ओके अभी देखिएगा आगे, इंशाल्लाह ताला समझ में आएंगी बातें जरूर, इंशाल्लाह। ओके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बस ये बुनियादी बातें। गुड हसनैन, माशाल्लाह बेटा, एग्जांपल दूसरी सब्सक्रिप्शन इनकम के रेफरेंस में ही है, कह रहा है 31 मार्च 2016 क्रिकेट क्लब हैड मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इन एवरी ईयर, एवरी ईयर का मतलब ओइंग होता है, वाजिबुल वसूल,
अमाउंटिंग टू रुपीज, ये तो वही वाला क्वेश्चन नहीं आ गया? ओ, ये दोबारा कॉपी पेस्ट हो गया। इसमें कुछ चेंज है? अच्छा अच्छा वो एग्जांपल वन थी, हाँ नहीं चेंज है। अच्छा 31st March 2016 क्रिकेट क्लब हैड मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इन एरियर अमाउंटिंग टू ₹48 एंड हैड रिसीवेबल एंड हैड रिसीव 12,000 सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ओपनिंग एडवांस में 12,000 और 48,000 ड्यूरिंग द ईयर 31st March 2017 क्लब रिसीव्ड 624 इंक्लूडिंग 26 मेंबर्स फॉर 18 एट ₹1,200 पर एनम। यहाँ तक तो वही वाली बात चल रही है। 31st March 2017 16 मेंबर्स ओड सब्सक्रिप्शन 1200 ईच। हाफ ऑफ द मेंबर्स हु वर इन एरियर एट द एंड ऑफ द प्रीवियस पीरियड स्टिल हैड नॉट पेड बाय 17 मार्च 2017 तक। It was decided to write off these amounts. ठीक है बेटे, आगे राइट ऑफ वाली। अगर पैसे नहीं दिए तो क्या करेंगे? अब उसे राइट ऑफ करेंगे। करें जनाब, बिस्मिल्लाह पढ़ें और मुझे बताएं कि अब इनकम क्या आएगी। अकाउंटिंग एंट्री बतानी है, बड़ी मजे वाली अकाउंटिंग एंट्री बतानी है मुझे आपने। इसकी अकाउंटिंग एंट्री जी बेटे जान, दोबारा जरा बोलो बेटे। सर जो 48,000 है वो डेबिट हो जाएगा और जो 12,000 है वो क्रेडिट हो जाएगा? नहीं बेटे, इसको जरा थोड़ा सा तवज्जो से करें। 48,000 इसकी अकाउंटिंग एंट्री बताएं, सब्सक्रिप्शन इनकम और रिसीवेबल और अगर बैड डेट का है जेन उसमें बताएं, सोच के बताएं प्लीज। सबसे पहले तो ये 624 की अकाउंटिंग एंट्री करेंगे आप। कैश डेबिट 624 क्रेडिट आपकी इनकम है। थैंक यू। अब ये तमाम अकाउंटिंग एंट्रीज होनी चाहिए। डेबिट क्रेडिट करो जरा बेटे, अभी फ्रेश आपने सीखा है, इसकी डेबिट एंड क्रेडिट होना चाहिए। ये छह की छह अकाउंटिंग एंट्रीज मुझे, असल में आपको ओपनिंग ड्यू की अकाउंटिंग एंट्री डिस्कस करना है इसके अंदर जी। 24 को राइट ऑफ करेंगे, बिल्कुल ठीक है बेटे, लेकिन मुझे आप थोड़ा सा अकाउंटिंग एंट्रीज में बता देंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। बैड डेट्स डेबिट, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, ओके चलो। बाकी क्या पता आपने ठीक ही कहा हो। कमाल है यार, मैंने डराया तो नहीं आपको इतने प्यार। कल क्या किया था मैंने? हाँ फिर तो छा गया था ना, फिर छा गया था। शाबाश, ठीक है, यही होता है ना। अब देखो ना, आप छाने वाली बात ही कर रहे हो ना, बैड डेट्स की वजह से इनकम को क्रेडिट कर रहे हो। है अब कुछ बात बन रही है, लेकिन इसके बाद आपने बोलना कुछ नहीं। आप थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार फरमानी है जी। आधा ठीक हो गया, एग्जाम पास कर जाएंगे आप। बोंगियां मार रहा जी बेटे, 600,000 आ रहा है। अच्छा, और अभी कोई बच्चा बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था? कोई आवाज आई थी किसी बच्चे की? अच्छा जी, उसने एक बच्चे ने, एक मेरे बच्चे ने कैलकुलेट कर दिया है, हसनैन ने माशाल्लाह। हसनैन को माशाल्लाह, हसनैन आई अप्रिशिएट,
शुरू में आपने कहा था कि समझ नहीं है, और उतनी अच्छा आपको ग्रिप, माशाल्लाह, आई रियली अप्रिशिएट। आप लोग यार जल्दी जल्दी, डर किस रहे हो, क्या हो गया? ये वाली 6 एंट्रीज मैंने जो की है वो, चलो मैं खोल के सामने रख देता हूँ, इन एंट्रीज को तो करो। फौरन सर इसकी एंट्री होगी पैरेलल स्टेट और पॉइंट ओपनिंग क्रेडिट। एक्सीलेंट, 24 से एक्सीलेंट, और बाकी जो 24 है वो चला जाएगा इस साल के इनकम इनकम। लेकिन एक मिनट जरा, इनकम इनकम से निकलेगा ना बाहर यार, ऑलरेडी इनकम में गया हुआ है। देखो मैं आपको सबको जरा इन्वॉल्व करता हूँ। देखिए बेटे जान, बात क्या है, इस जगह पे मैं अकाउंटिंग एंट्री पास करने जा रहा हूँ, इसको रब करते हैं ग्रीन में। आपका ओपनिंग ओइंग 48,000 का, क्या इसको क्रेडिट होना चाहिए 48,000 से? यस होना चाहिए, क्योंकि अभी ओपनिंग गोइंग नहीं है, आधा इसमें से रिसीव हो चुका है और आधा बैड हो गया। अब इसकी कंपाउंड एंट्री बनाइए, आप माशाल्लाह अभी स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि कंपाउंड एंट्री बना सकते हैं। बैड डेट्स को डेबिट कीजिए, और सब्सक्रिप्शन इनकम में जा चुका हुआ है ना वो, जैसे सारा का सब्सक्रिप्शन इनकम में गया था, सब्सक्रिप्शन इनकम से बाहर निकाला था उसे हमने, सब्सक्रिप्शन इनकम से बाहर निकालिए। ये 24, अब इसकी पोस्टिंग देखिए क्या, ये सब्सक्रिप्शन इनकम आपका 24 से डेबिट कीजिए, ठीक है? ये बुक ने जिस तरीके से क्वेश्चन किया था, अल्टीमेट रिजल्ट उसका भी वही है कि उसने 24 की बजाय 48 सारा इधर लिखे, फिर 24 इधर बैड डेट्स किया था। मैं उसको डायरेक्टली राइट ऑफ करना चाह रहा हूँ, बैड डेट्स में डेबिट करके ओइंग को क्रेडिट करके। सब्सक्रिप्शन इनकम में सिर्फ 24 लेकर आए, ये 24 अब यहाँ पर नहीं आएगा, और अल्टीमेटली आपकी बाकी की तमाम वही इम्पैक्ट्स हैं, और 600,000 आपका इनकम के छोटे घर से निकल के बड़े घर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। जी बेटे जान, किसी ने कोई बात करनी है? ओके, समझ आ रही है पुत्री? अच्छा, इसको मैंने यहां पर इस तरीके से भी समझाया हुआ है, ये सब्सक्रिप्शन को अगर आपने बैड डेट्स के तरीके से देखना है तो क्या है, बैड डेट्स आपका ये ओपनिंग रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल जो था, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ओइंग, उस ओइंग 4800 को बैड करने के लिए ये ओइंग को क्रेडिट किया, बैड डेट्स एक्सपेंस में डेबिट हुआ। अब ये बैड डेट्स एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाएंगे आप, यहां से क्लोज होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जितनी भी इनकम और एक्सपेंस की नेचर के हेड ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो अपने घर से निकल के मेन घर इनकम एक्सपेंडिचर में जाते हैं, और अगर हम प्रॉफिट बना रहे हैं से निकल के मेन घर SOPL में जाते हैं, इसको क्लोजिंग एंट्रीज कहते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज के जरिए से। बेटे किसी ने कुछ पूछना है तो बताइए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आपको लेकर आ रहा हूँ। बेटे जान, आपने तो बैड डेट्स को डेबिट करके सब्सक्रिप्शन इनकम को क्रेडिट किया था, हैं? रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल को अगर क्रेडिट किया था फिर ठीक है। अच्छा जी, अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है छोटा सा, इसकी भी मैं अकाउंटिंग एंट्रीज आपसे पूछूंगा, देखिएगा समझ आता है। ले जनाब, सॉल्यूशन छुप गया। ओके, ये क्वेश्चन आज, बिलो इज द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ सैंपल क्लब फॉर द ईयर 20X2। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 12,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 20X3 1600, रिसीव इन एडवांस X142, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ 2000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द क्लोजिंग
1700, calculate the amount of subscription income for the year 2. प्लीज सोचिए इसके ऊपर. आपने ईयर 2 के लिए अकाउंटिंग करनी है. एग्जाम में इतना वक्त जाया नहीं करते. इतना वक्त जाया करने का मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह फेल. यकीन कीजिए इसकी प्रैक्टिस करो बेटे. जल्दी जल्दी काम करने की प्रैक्टिस करो, अदरवाइज तो एग्जाम नहीं पास होने. अकाउंटिंग एंट्रीज लिखो, डेबिट क्रेडिट प्लीज. अब भी और रिसीव का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसकी अकाउंटिंग एंट्री करो 12,000 की. ये बेटा लिखो लिखो लिखो, हर यार जर्नल बनाओ इसका, डेबिट क्रेडिट. मैं आप लोगों की प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूं, आपके जेन इतनी तेज चलने चाहिए. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2003, एडवांस फॉर 2003 की एंट्री करो जल्दी से. आपका जो 12,000 रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, कैश डेबिट हुआ, इनकम को क्रेडिट कर दिया. yes, उसमें पता चला कि उसमें जो कुछ रिसीव हुआ था जो अगले साल के लिए था, ठीक है, रिसीव हो चुका हुआ है अगले साल के लिए, उसको आप बाहर निकालो. और अगले साल के लिए का मतलब है कि उसको आप अनअर्न्ड को क्रेडिट करो, इनकम से बाहर निकालो. ठीक है ना, ड्यूरिंग द ईयर वो कह रहे ना रिसीव हुआ है, अंदर वो अमाउंट रिसीव हो चुकी हुई है. अच्छा जी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन एक्स वन फॉर एक्स टू, ये क्या है? पिछले साल आपको एडवांस में मिला था, अनअर्न इनकम में पड़ा हुआ था, उसको उठा के इनकम में बनाओ, एंट्री डालो. क्या है, बनाओ क्या एंट्री, डेबिट क्रेडिट अकाउंटिंग एंट्री करें. डेबिट किसको करें, एडवांस को, अनअर्न को, ओपनिंग एडवांस को कीजिए, इनकम को क्रेडिट कीजिए. अब जी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ टू, इस साल के शुरू में इतनी आउटस्टैंडिंग थी. ओपनिंग गोइंग रिसीवेबल को खत्म करें, क्रेडिट करें, आपकी इनकम में रिसीव हो चुकी है, डेबिट करें इनकम को. सब्सक्रिप्शन ओपनिंग गोइंग रिसीवेबल क्रेडिट जी, ओइंग एट बिगनिंग, ओपनिंग ओइंग, ओइंग रिसीवेबल एक ही बात है ना. सब्सक्रिप्शन जब ओइंग होगी तो रिसीवेबल थी ना. उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट क्लोजिंग, शाबाश, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट 1700. और अब बताइए क्या आपकी फाइनल बड़े घर की अकाउंटिंग एंट्री क्या है? बड़े घर की अकाउंटिंग एंट्री क्या है? इस इनकम अकाउंट को डेबिट करके लेके जाओ ना बड़े घर में. इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट होगा और सब्सक्रिप्शन इनकम डेबिट होगी, क्लोजिंग एंट्री है, सही है? देखिए जी क्या यही अकाउंट आपका बना है? जी हसनैन शाबाश बेटे, 11,100. ओके ये नीचे मैंने इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज डेबिट क्रेडिट में की हुई है. 12,000 कैश रिसीव हुआ, सब्सक्रिप्शन इनकम डेबिट करके ओपनिंग रिसीवेबल को क्रेडिट किया, ओपनिंग एडवांस क्रेडिट किया, क्लोजिंग. ठीक है जी, बिलो इज द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ
सैंपल क्लब, इसको भी जरा कर लीजिए। उसी तरह का सवाल है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल वाला पार्ट देने लगा हूँ। हसनैन, आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने सबसे पहले इसका आंसर कैलकुलेट किया है, लेकिन देख लीजिए कोई गलती ना हो गई हो आपसे। आपका क्या आंसर है? 7500। पिछले वाला एक मिनट तो हो गया हुआ है। अच्छा दोबारा एक मिनट तो ओके। ये भी हो कंफ्यूज करने के लिए कहा और आपको टेस्ट करने के लिए कहा। सबका 7500 आ रहा है, सबका। आपका 95, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। जी जी बेटे, 10,700। ओके गुड। एनी अदर फनकार? 7700। वाओ जी बेटे। अच्छा एक मिनट फिर ठहर जाते हैं। जी बेटे, बाकी मेरे जो ऑनलाइन 50 बैठे हुए हैं बताएं। ग्यारह पांच सौ हो गया जी। ओहो गुड गुड गुड, 11,500। और अब मैं जब आप लोगों को बताऊंगा तो आपको दुख होगा। देखिएगा सब दुखियाड़े, तवज्जो फरमाए। मैसेज में क्या है? 9500 हसनैन कह रहा है, करेक्ट। सैफ अली भी कह रहा है 9500। ओके देखते हैं आपका। आपका तो वो 9500 भी आया था, 11500 भी आया था। अच्छा आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। और देखा तो सही। अच्छा मुझे सिर्फ एक बात बताओ, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर? अब जब मैं एक ये बात करूंगा तो आपको दुख होगा। अब मुझे बताएं हाउ मच इज अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर? 9500 अब दोबारा से क्वेश्चन पढ़े सब बच्चे। जी बेटे करें दोबारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें और मुझे बताएं कि आपकी क्या अमाउंट है इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम। बेटे जान आप लोग तवज्जो नहीं रखते, चैप्टर रिवाइज कराने का मतलब हरगिज नहीं है कि मैं जल्दी से गो थ्रू कर लूं और कहूं कि जी बस मैंने बात कर दी है। आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज होना चाहिए, आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, ठीक है? एग्जामिनेशन में सीन क्वेश्चंस नहीं आने, अनसीन होंगे सारे के सारे। उस क्वेश्चन को कैसे कॉम्प्रिहेंड करना आपको पता होना चाहिए। तवज्जो तो दो, क्या लिखा हुआ है? $14,700। ये क्या बेटे अब इनकम है? 13,100। अब आपने पकड़ा, अब आपने पकड़ा। देखो जरा बात सुनो, अब देखो इस सवाल को पकड़ेंगे कैसे, तवज्जो में रहना। अगर मैं डायरेक्ट सही वाला अकाउंटेंट बन के अकाउंटिंग कर रहा हूं, जूनियर अकाउंटेंट नहीं, सीनियर अकाउंटेंट लेवल पे अकाउंटिंग कर रहा हूं, तो मैं गलती तो नहीं करूंगा ना? मैं टू द पॉइंट जिस अकाउंटिंग हेड में उसको पोस्ट होना चाहिए सिर्फ उसी अकाउंटिंग हेड में से पोस्ट करूंगा। अभी तो सब्सक्रिप्शन में सारा कुछ ले जाने के बाद उसको बाहर निकाल रहा हूं ना,
अब मुझे बताओ 2002 में ड्यूरिंग द ईयर फॉर 2002 मैंने 8400 रिसीव किया, यस और नो? कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट, जो मैंने सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर फॉर 2003 किया वो तो मुझे कैश डेबिट करके रिसीव्ड इन एडवांस को क्रेडिट करना चाहिए। मुझे गलती से इनकम में ले जाने के बाद इनकम से बाहर निकालना तो गलत बात है ना, वो तो जूनियर अकाउंटेंट का काम है। तो मैं डायरेक्टली इसको इनकम रिसीव्ड इन एडवांस में क्रेडिट करूंगा, सब्सक्रिप्शन इनकम में नहीं लेकर जाऊंगा। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इस साल रिसीव हुई है फॉर 2001, 2001 की रिसीवेबल थी वो अब रिसीव हुई है, तो उसको मैं ओपनिंग ड्यू के अकाउंट में क्रेडिट करूंगा ना, ओपनिंग रिसीवेबल को क्रेडिट करूंगा, इधर इनकम को तो क्रेडिट नहीं करूंगा, ये भी मेरे इनकम में नहीं जाएगी। इन दोनों का मेरी सब्सक्रिप्शन इनकम से ताल्लुक ही नहीं बनता, ठीक है। अब ये 1000 क्या है, मेरी इस साल से मुतालक इनकम रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल में रिसीव हो गई थी, इस साल की इनकम में आना चाहिए, इस साल की इनकम में शामिल करो इसके अंदर, मेरी ओपनिंग एडवांस में पड़ी हुई है, ओपनिंग एडवांस क्रेडिट था उसको डेबिट करके इस साल की इनकम को क्रेडिट करो, और ये मेरी साल की इनकम है ओइंग एट द एंड ऑफ ईयर टू, अभी तक रिसीव नहीं हुई है, उसको रिसीवेबल को डेबिट करके इनकम को क्रेडिट करो। समझ में आती है बात? एग्जामिनर ऐसा पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? तैयारी सॉलिड चाहिए, अपने आप को धोखा नहीं दें कि 10 सवाल मैंने कर लिए हैं सब्सक्रिप्शन के तो बस ठीक हो गया, ठीक है। एग्जामिनर 11वां पूछेगा जो आपने देखा भी नहीं होगा, सिर्फ लॉजिक से अप्लाई करने से ठीक करेंगे, ठीक है। नो रटलाइजेशन, अप्लाई योर लॉजिक्स। ये लें जी, आप ये इंपैक्ट ले रहे हैं, ये इनकम आ रही, कोई इधर अपने ओपनिंग गोइंग नहीं लिखा, कोई इसमें क्लोजिंग एडवांस नहीं लिखा, ठीक बात, ओके। जी बेटे, आप इसका अगर कंप्लीट देखते हैं तो क्या सब्सक्रिप्शन ओइंग आपको जो 1600 है उसका इंपैक्ट लें, कहां पर जाएगा? आपका जो 1600 था कैश रिसीव हुआ, ये वाला इस साल जो कैश रिसीव हुआ वो क्या है, ये कैश रिसीव करें इधर एडवांस में, ठीक है, और ये जो आपको एक का रिसीवेबल अब रिसीव हो रहा है, ये 2001 से ब्रॉट फॉरवर्ड था रिसीव हुआ, ये यहां पर रिसीव करें, तो इधर आप फिर ओइंग और एडवांस के अकाउंट बना के चल रहे होंगे ना, उनके ट्रीटमेंट्स ले रहे होंगे, फॉलोड। और ये उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज मैंने डेबिट क्रेडिट कर दी है। आगे चलते हैं, ये इसका यहां पर भी मैंने इंपैक्ट अकाउंट दिखा दिया, मेंबरशिप फी पर आए जी प्लीज, ये भी अक्रूवल्स ही हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू मेंबरशिप फी ऑफ सैंपल क्लब फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2, कैश रिसीव्ड इन द ईयर टोटल्ड 100,000। अप्रैल, ये आपका साल खत्म हो रहा है 31st March 2 को, तो 1st April X1 को साल शुरू हुआ, 2000 वाज इन एरियर फॉर March 1 एंड 800 वाज रिसीव्ड इन एडवांस फॉर X2। 31st March 2 रिसीव्ड 1500 टुवर्ड्स द नेक्स्ट ईयर्स फी एंड द अमाउंट स्टिल रिकवरेबल इज 1700।
उसी तरह का ही आप सिंपल ओपनिंग ट्यू क्लोजिंग ट्यू उसने दिए। मेरा ख्याल है इसको पास करूँ आगे चलूँ, ठीक है ये मुझे सॉल्व कर दीजिए प्लीज। सैंपल कब रिसीव्स 1000 एनुअली फ्रॉम ईच मेंबर, बिलो इज द इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग ईयर एंडिंग ऑन 31st March X2, रिसीव मेंबरशिप फी फ्रॉम 100 मेंबर्स, मेंबरशिप फी रिसीव ऑन 1st April, फी ड्यू फ्रॉम 20 मेंबर्स एंड 8 मेंबर्स हैड ऑलरेडी बीन पेड फी ड्यू, अच्छा वॉज ये एंड अगली बात है, 8 मेंबर्स हैड ऑलरेडी पेड देयर फी इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर। On 31st March 2, received fee from 15 members towards the next year and the amount of 17 members membership fee. Please, tick tick करें। थोड़ी सी हाजिर दिमागी होशमंदी से करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। हो गया, इजाजत है, आगे चलो। जरा इसको जस्टिफाई करें, ठीक है। वन थाउजेंड पर मेंबर रिसीव कर रहे हैं, इनकम फॉर द ये 9000 मान रही, क्या किया हुआ? हाँ जी, 1,08,000 हसनैन, 1,08,000 90,000। आप ये बताइए ये रिसीव्ड है, रिसीव्ड ठीक है ड्यूरिंग द ईयर मेंबर्स से, आपको 100 मेंबर्स से सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई, उसके बाद ये 20 क्या है जी आपकी ओपनिंग ड्यू और 8 मेंबर्स हैड ऑलरेडी पेड देयर फी इन एडवांस, ये ओपनिंग एडवांस ठीक है, ओपनिंग ड्यू माइनस ओपनिंग एडवांस ऐड, और 15 मेंबर्स टुवर्ड द नेक्स्ट ईयर फी रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस और ये 17,000 अमाउंट फी स्टिल ड्यू क्लोजिंग ड्यू। अब बताइए क्या आती है, 90,000 सब्सक्रिप्शन इनकम। अब ठीक है, समझ आ गई ना, गुड शोर। एक और हो जाए, ओके जी बेटे, ये बेटे 1,08,000 बन रहा है सब, देखो जरा क्यों बाकी मुझे गलत बता रहे हैं। 80 ये 80 और नहीं बेटे 90 बनेगा, 90 ओके 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 ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, नो वरीज। अच्छा जी, अब ये एक क्वेश्चन मेरा ख्याल है कि मेरे कुछ बच्चे कर लेंगे जल्दी से और कुछ बच्चे शायद नहीं कर पाएंगे। क्यों भाई कर लोगे? मैं बाप की तरफ देख रहा हूँ, ये मैंने करवाया हुआ है, करवाया हुआ कि नहीं करवाया हुआ? नहीं करवाया हुआ, चलो करो जरा मैं पढ़ देता हूं इसको। कहता है सब्सक्रिप्शन इनकम प्रीवियस ईयर इनकम वॉज 250, प्रीवियस बैलेंस शीट शोड सब्सक्रिप्शन इन द एसेट्स 10, सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द करंट ईयर फ्रॉम द करंट ईयर फॉर द करंट ईयर इज 400, ऑल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम 20% ऑफ द टोटल मेंबर्स,
subscription due from the previous year has been received except for 20% of the amount due. Calculate subscription income for that. पांच नंबर करती है, 9 मिनट दे दिए, 9 मिनट्स गिवन। हाँ जी 508, इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज करो। जो भी है लिखा हुआ, मुझे खुद नहीं कुछ पता क्या लिखा हुआ, पता नहीं। अभी मैं थोड़ी देर पहले से बता चुका हूँ, सब्सक्रिप्शन द एसेट आपको बता चुका हूँ। $400 or $390 हाँ जी, बाकी 50 280 या 380 एक मिनट दे दिया। 460 अच्छा चलें, और कोई बच्चा 447.5 अस्नान कह रहे हैं, ओके 460 चलें करें, बाकी बच्चे भी थोड़ा सा कोशिश करके देख लें। जी जी बस 9 मिनट्स हो गए, पूरे 9 मिनट्स हो गए, एक मिनट है चलते लें जी। मैं इसका सोल्यूशन आपके सामने लेकर आ रहा हूं, आप इसको कोशिश करें समझने की। ठीक है चले, अब इसको आप जरा अंडरस्टैंड करें कैसे आ रहा है, बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। जी बस 5 मिनट में जी, वो क्या कह रहा था आपको, कह रहा है बैलेंस शीट शोड सब्सक्रिप्शन इन द एसेट, मैंने यहां पर ड्यू लिखा भी हुआ है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन इन द एसेट का मतलब यही है ना कि ओपनिंग ड्यू ओपनिंग रिसीवेबल आपके एसेट में था, कितना 10, ओके। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर फॉर द करंट ईयर, इस साल में जो रिसीव हुई इसी साल के लिए वो 400 है। ऑल अमाउंट्स ऑफ द सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 20% ऑफ द टोटल मेंबर्स, इसका मतलब जो रिसीव हुई 80% के लिए, अगर 480% का रिसीव हुई है, ये वाली वर्किंग देख लीजिए, 480% का रिसीव है तो 20% का जो रिसीव नहीं हुई वो कितना है, 100। तो 100 आपका क्लोजिंग ड्यू में जा रहा है, 100 क्लोजिंग ड्यू, समझ आ गया ये जो मैंने हाईलाइट किया। प्लस वो कह रहा है सब्सक्रिप्शन ड्यू फ्रॉम द प्रीवियस ईयर हैज बीन रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर द 20% ऑफ द अमाउंट ड्यू, कहते हैं जो ओपनिंग वो रिसीव हो चुका है मां सिवाय इसके कि 20% रिसीव नहीं हुआ, तो इसका मतलब है पिछले का 20% रिसीव नहीं हुआ, और रिसीव कितना हुआ है 80%, तो ड्यूरिंग द ईयर कितना रिसीव हुआ आपको 400 सारा का सारा, और 10 का 80% आपको इसमें रिसीव हुआ,
नहीं, क्यों कंफ्यूज हो गए? देखो ना बेटे, ये ओपनिंग ड्यू था ना आपका 10 ड्यूरिंग द ईयर 408, इसमें से भी तो आपको मिला है ना बेटे जी, इसका भी तो आपको 80% मिला है ना। इसका 80% मिला कि नहीं मिला? तो टोटल आपको जो है वो 408 मिला है ना। देख लो यही कह रहा है, सब्सक्रिप्शन ड्यू फ्रॉम द प्रीवियस ईयर हैज बीन रिसीव्ड। अगर रिसीव हुई है तो दिखाओ तो सही कहां रिसीव हुई है। ये यहां रिसीव, ये 400 तो आपको इस साल के साल में रिसीव हो रहे हैं, 400 इस साल के साल में रिसीव हुए, और 8 आपको पिछले साल के 10 में से 8 रिसीव हुए, पिछले साल के 10 में से 2 अभी रिसीवेबल है। उसने कुछ नहीं कहा कि वो रिसीव नहीं होंगे, तो क्लोजिंग रिसीवेबल में लिखो क्योंकि वो आपका ओपनिंग ड्यू लिखा तो जाएगा ना, वो उसमें से 8 आपको रिसीव हो रहे हैं ना, ओपनिंग रिसीवेबल था। ओके, आप इसका यहां पे टी अकाउंट बना के देख लो, ओपनिंग ड्यू यहां पे लिखोगे 10, ओपनिंग ड्यू 10 लिखोगे ना, कैश रिसीव्ड ये लिखोगे, ठीक है, और क्लोजिंग ड्यू कितना है 102, 10 का माइनस होना बनता है कि नहीं बनता? और अगर इसको बिल्कुल सादा से देखो, बहुत सादा अंदाज से, वो क्या है कि इस साल के 400 जो हैं वो इस साल के 80% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 100% कितना होगा 500, ये आपकी इनकम है, बाकी तो पिछले ओपनिंग ड्यू के रोले डाले हुए उसने। अगर सिर्फ इनकम ही देखनी है तो इस साल जितनी ड्यू थी उसका 80% आपको मिला है, तो इसका मतलब है कि 100% उसका 500 है, बात खत्म। बाकी था उसमें से 80% मिल गया और 20% मिलना अभी वो रिसीवेबल में आएगा। जी बेटे क्या ऑनलाइन से कौन बच्चा बात कर रहा है? फॉलोड, ये सब्सक्रिप्शन आपकी ओपनिंग ड्यू है, इधर इनकम में फेंक दी, और ये आपकी 102 आप क्लोजिंग ड्यू यहाँ पर आ गए। जी ये वाला पॉइंट देखो बेटे, ये क्या कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन जो आपकी ड्यू फ्रॉम द प्रीवियस ईयर हैज बीन रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 20% ऑफ द अमाउंट। आपकी प्रीवियस ड्यू से कितना रिसीवेबल था? 10, उसमें से कह रहा है 20% के अलावा बाकी रिसीव हो गया, 80% रिसीव हो गया, इसका मतलब है बैडर्स नहीं दिए, बैडर्स ना दिए, ये जो है ये उसने पिछली इनकम ऐसे ही आपको जस्ट दी, प्रीवियस ईयर की इनकम ये है, जस्ट ऐसे ही आपको उसने बताया, प्रीवियस इनकम कंपैरेटिव इनकम उसने बताई है प्रीवियस ईयर की, है कहानी डाली है। तो बेटे इस तरह से एग्जामिनर आपके साथ सब्सक्रिप्शन अकाउंट घेर रहा होता है आपको। ओके चलें ब्रेक करें, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं आप, थैंक यू, अल्लाह। वेल बेटे, विल बी डूइंग सम प्रैक्टिस फॉर दिस एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें यू नो वेरी वेल के हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं एज रिक्वायर्ड, अगर उसने पूछा हो तो। जैसे कि अभी सवाल में उसने कहा है कि प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30th, सॉरी 30th June 2016 and a statement of financial position as on that date. Well, requirement पहले जरूर पढ़ लेना चाहिए, जेन बन जाता है कि हमें क्या करना। लैंगटन हॉकी क्लब
does not have any formal accounting records, but the following information is available. The payments that have been made by the club for the year ending 30th June 16 are as follows. यहीं पे रुक जाएं। हम माशाल्लाह से अब इतने बड़े हो चुके हैं कि जब पेमेंट्स सामने आएंगी तो हमारे जहन में फौरी तौर पे आना चाहिए कि इन पेमेंट्स में कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं जो कि स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में पार्ट होंगे, और कुछ इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होंगे जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे, और जो भी एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है थ्रू द फनल ऑफ एक्रूअल्स जाता है, एक्रूअल्स का ट्रीटमेंट होने के बाद वहां तक पहुंचता है। अगर आपने एक्रूअल्स को ट्रीट नहीं किया तो जो प्रॉफिट में, जो इनकम एक्सपेंडिचर में आपका एक्सपेंस गलत होगा, ठीक है। अब हम इसकी पेमेंट्स को बगौर पढ़ेंगे। पेमेंट्स में परचेज ऑफ सेकेंड हैंड टेबल टेनिस की टेबल है। अब टेबल टेनिस टेबल हमने जो बाय की है इनकम एंड एक्सपेंडिचर से इसका ताल्लुक है या बैलेंस शीट एसेट से ताल्लुक है? बैलेंस शीट एसेट। रेंट पे की है, स्टॉल परचेज की, स्टॉल बाय की, एसेट में ले जाए। एनुअल फेयर एक्सपेंसेस, आउटिंग्स के एक्सपेंसेस, पिज्जा फॉर विस्ट इवनिंग, अच्छा मुझे भूख लगी हुई है, मैं कहा पिज्जा आया मैं वो एकदम से रुक गया था। प्राइजेस फॉर वेस्ट इवनिंग, ये आपकी जो है 90 की, ये आपने एक्सपेंस की उस फंक्शन के लिए, उस इवेंट के लिए। रिपेयर टू स्नूकर एक्सपेंस, रिफ्रेशमेंट एट सोशल इवनिंग्स, अब पिज्जा आया हो गया रिफ्रेशमेंट। ओके, ये हमारी पेमेंट्स हुई। साथ ही नीचे क्लब की इनकम अपार्ट फ्रॉम एनुअल सब्सक्रिप्शन इज एज फॉलोज, आपकी उसने कुछ हमें इनकम्स दे दी। अच्छा, अब जहन में एक ये बात साथ चलनी चाहिए कि हमें लानी है, तो अगर हमें पेमेंट्स दी हो और इनकम की रिसीट्स दी हो तो कोई कैश का क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए, क्योंकि वो कैश का क्लोजिंग बैलेंस हमें बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखना होगा, करंट एसेट के तौर पर। गॉट द पॉइंट? लिहाजा उस नजरिए से हम इसको बहरहाल देखेंगे। द क्लब ऑल्सो रन अ टी स्टॉल इन द विलेज कार पार्क एवरी संडे इन द समर मंथ। दिस sells tea and coffee, cakes, biscuits and ice creams, etc. The profit margin on the tea stall is normally 20% of selling price. Margin. Okay? All the club's transactions are in cash, but if there are any surplus funds, they are banked in a local bank. It's kind of bank we have our first. Bank of balance. The balance on the bank was 30,000 in July 1, 2015. 30th June 2016, opening balance bank of Stamadalia. Alright. The club has an annual subscription rate of 20,000 rupees per annum per person, or 50,000 rupees per annum for a family membership. यहीं पे रुक जाए, अपना जहन बनाए कि हमारे पास दो तरह के मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल एंड फैमिली मेंबर्स। जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं उनसे हम 20,000 रुपया लेते हैं एनुअल, और जो फैमिली मेंबरशिप लेता है उससे हम 50,000 रुपया लेते हैं एनुअल। ऑलराइट, मेंबर्स आर आस्क्ड टू पे देयर सब्सक्रिप्शन इन द जुलाई एट द बिगनिंग ऑफ द क्लब्स अकाउंटिंग ईयर।
साल के शुरू में हम कहते हैं कि जी अपनी फी पे करते हैं। देयर आर 10 फैमिली मेंबर्स ऑफ द क्लब, ऑफ दीज 2 पेड देयर 2016 सब्सक्रिप्शन इन जून 15 एंड ऑल द रेस्ट वर रिसीव्ड बिफोर 30th जून। टोटल मेंबर्स कितने हैं? फैमिली मेंबरशिप 10। ओके, फिलहाल सिर्फ इतना, आगे बढ़ते। मेंबर हैड पेड देयर 2016 सब्सक्रिप्शन इन एडवांस बट एट 30th जून 16 4 मेंबर्स स्टिल ओवर द सब्सक्रिप्शन। दे हैड बीन कॉन्टेक्टेड एंड ऑल 4 हैड प्रॉमिस्ड टू पे एट द नेक्स्ट इवनिंग सोशल इवेंट। क्या मतलब इस कहानी का? रिसीवेबल है आंसर, रिसीवेबल। दे आर इन द टोटल 18 इंडिविजुअल। द क्लब हैज फॉलोइंग अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज अदर देन द सब्सक्रिप्शन। आपके रिसीवेबल पेबल वगैरह इसमें नहीं शामिल होंगे। सब्सक्रिप्शन के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद है, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ द टी स्टॉल मौजूद है, पेबल ऑफ द टी और प्री पेमेंट्स ऑफ द रेंट। द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज ऑल डेप्रिसिएटेड एट 20% पर एनम ऑन नेट बुक वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ द इक्विपमेंट हेल्ड ऑन 30th जून ईच ईयर। हर साल नेट बुक वैल्यूज की डेप्रिसिएट होती है। The old table tennis was sold during the year for 40,000. Its value was recorded by the club 30,000. 40,000 की बिकी है जी। हमने अगर कैश बुक ना बनाई तो हम कैश के क्लोजिंग बैलेंसेस तक नहीं पहुंचे। तो पहले कैश बुक बना लो। आई गिव यू 4-5 मिनट्स। आप जल्दी वाला काम कीजिएगा, सॉरी डिटेल्स ना लिखिएगा। आप स्मार्ट वर्किंग कीजिए। ये टोटल देखिए, पेमेंट्स क्या हैं, ये टोटल रिसीट्स क्या हैं। बिल्कुल जूम करता हूँ और इसमें देखें कि नीचे की वर्किंग में कोई कैश रिसीव या पे हुआ। इन वर्किंग्स को देखिए और सॉल्व करने की कोशिश फरमाइए। जल्दी से मैं आपको टिप दे रहा हूं इस वक्त और इसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमने अभी। अभी आप इसकी डिटेल्स लिखने के बजाय सिर्फ मोटी मोटी रकमें लिखें। अभी हम टोटल नहीं कर रहे इसका कैश बुक का, सिर्फ एक टी काउंट ड्रॉ करेंगे आप और उसमें मोटी मोटी अमाउंट्स आप लिख देंगे रिसीट्स की और पेमेंट की। मिसाल के तौर पर मैं जस्ट ऐसे ही एक हल्की सी यहाँ पर आपको वर्किंग बता देता हूँ। मैं क्या करूँगा, सपोजली मैं लिखूँगा कैश बुक, ओके, और यहाँ 250 से लेके ये तक ये सारा टोटल क्या बना है? 3935। ये मैं लिख दूँगा। ये रिसीट्स थी, पेमेंट्स थी, ये पेमेंट्स थे, पेमेंट्स 3935, ये पेमेंट्स थी मेरी, ठीक है। रिसीट्स मेरे पास अभी तक जो इधर लिखी हुई है 2450, बस फिलहाल मैं ये लिखता हूँ। अब उसके बाद बात को आगे लेके चलना है ना। आगे चलें, यहाँ पर द क्लब ऑल्सो रन अ टी स्टॉल इन द विलेज कार पार्क एवरी संडे इन द समर मंथ्स। दिस sells tea, coffee, cake, biscuits and ice creams. The profit margin on the tea stall is 20% of selling. All the club transactions are in cash, but if they are surplus funds, they are banked in a local bank account. ठीक है जी। अब बैंक का ओपनिंग बैलेंस उसने दिया हुआ है, हम इसको ओपनिंग बैलेंस को यहाँ पर 30 के तौर पर, ठीक है, क्योंकि कैश एंड बैंक दोनों का इकट्ठा ही बन रहा होगा ना। ओके, अब आप ये देखिए कि जो हमने
सब्सक्रिप्शन रिसीव की हैं वो कितनी है, नंबर फोर पॉइंट में से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की अमाउंट्स निकालिए प्लीज, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड वो यहां पर मैंने लिखनी है। नंबर फोर पॉइंट को बहुत गौर से पढ़िएगा, कैश रिसीव्ड की अमाउंट आपने बतानी है मुझे। ओके लिखिए, इंडिविजुअल्स का आप कह रहे हैं कैश रिसीव हुआ है 1520। ओके और फैमिली का 400, फैमिली का आप कह रहे हैं ये इंडिविजुअल का और ये फैमिली का 400। अब ज्यादा तगो दो मत कीजिए, इसको पढ़ लीजिए बस। मैं ज्यादा जूम कर देता हूँ, इसको पढ़ लीजिए, ऐसा ही है। दो मेंबर्स ओपनिंग एडवांस, 50 मेंबर्स टोटल, सॉरी 10 मेंबर्स हैं हमारे, 50 के हिसाब से दे रहे हैं, टोटल इनकम हमारी 500, इनकम में 500 जाएगी। रिसीव कितनी हुई, 8 मेंबर्स ने दिया रिसीव। ओके इंडिविजुअल्स में 80 मेंबर्स हमारे टोटल इंडिविजुअल मेंबर्स थे, 20 के हिसाब से 1600 इनकम बनती है, ड्यू क्लोजिंग डेट पे 80 है, 4 मेंबर्स ने वादा किया था कि हम बाद में देंगे, और 1520 आपकी जो है वो कैश रिसीव हुआ, अभी आपने कैलकुलेट किया। ओके ये भी रिसीट में हमारे पास आ गया। ऑलराइट नो इंडिविजुअल मेंबर हैज पेड, हो गया ये। क्लब के एसेट्स और कुछ लायबिलिटीज बताई हुई हैं, अब इसका मैं आपको इस्तेमाल बताता हूँ। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज ऑल डेप्रिसिएटेड 20% ऑन नेट बुक वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ ये, द ओल्ड टेबल टेनिस टेबल वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 40,000। पुरानी हमारे पास एक टेबल टेनिस थी, इट्स वैल्यू एज रिकॉर्डेड बाई ये ओल्ड एसेट हमारे पास एक ये भी पड़ गया 30,000। ठीक है जी। ओके कुछ चीजों को समझिए, यहां पर ये मैंने उसकी रिसीट्स एंड पेमेंट्स के लिए कुछ थोड़ी सी वर्किंग आपके साथ बनाने की कोशिश की। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे आप, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको नीट एंड क्लीन आप काम उस पर करना शुरू कर देंगे। ये वेट नहीं करना कि जी पहले सारी वर्किंग्स हो जाए तब मैं इनकम एक्सपेंडिचर बनाऊं और तब उसके बाद बैलेंस शीट बनाऊं। ओके एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना शुरू कर दीजिए। यहां पर इनकम्स और थोड़े से वक्फे के बाद एक्सपेंसेस। इनकम्स में सब्सक्रिप्शन इनकम आपने इंडिविजुअल की लेनी है, हमने कितनी वर्कआउट की थी बेटा, 1600 और फैमिली की 500, 1600 और सब्सक्रिप्शन फैमिली, मैं एब्रीविएशन ही लिख रहा हूँ आप कंप्लीट लिखिएगा प्लीज, फैमिली 500। ठीक है जी बेटा, जी बिल्कुल आप उसका रुपीज इन 1000 लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अच्छा किया याद करा दिया, दो कॉलम्स में मैं काम कर रहा हूँ, तो आपकी 2100 सब्सक्रिप्शन इनकम आ गई। हमें पैरेलल नहीं है, मैं वर्किंग कॉलम्स यहाँ पे बना रहा हूँ, एग्जामिनेशन में आप साइड पे वर्किंग कॉलम भी बना सकते हैं, अलग से दो तीन सफ़े छोड़कर भी वर्किंग रेफरेंस के साथ आप बना सकते हैं। हमें
यहाँ पर एक स्टॉल, टी स्टॉल की अकाउंटिंग होती हुई नजर आ रही है। टी स्टॉल से मुतल्लक ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए। सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कह रहा है कि हमारे पास टी स्टॉल की परचेजेस है 900 और टी स्टॉल की इन्वेंट्री है हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग। वेल तो वी वर डिस्कसिंग के टी स्टॉल की ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 120, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60। अच्छा, परचेजेस करने से पहले आपको परचेजेस के पेबल्स को भी एडजस्ट करना होगा। हमने परचेजेस के लिए जो पे किया है दैट इज 900। वैसे इफ यू कैन सी, ये मैंने परचेजेस को वर्कआउट किया हुआ है, लेकिन आपको मैं रब करके इसे दोबारा से बना देता हूँ। ठीक है, परचेजेस 900, यहाँ पे मैं टी अकाउंट बना रहा हूँ क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस का फॉर टी स्टॉल। ओपनिंग बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर्स इज 110। परचेजेस हमें यहाँ पर मिलेंगी, कैश जो पे किया दैट वाज 900 बेटे, एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ परचेजेस इज 190। जस्ट मेक टोटल, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ परचेजेस 1090 माइनस 110 कम्स टू 980। अमाउंट ऑफ परचेजेस हमारे पास आ गए। परचेजेस शामिल कीजिए, आपके पास 1100 माइनस 60 गिव्स यू हाउ मच बेटे, 1040। ये आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है इसकी टी स्टॉल की। उसने एक आपको टिप दी हुई यहाँ पर कि जो हमारा टी स्टॉल है वो 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस पे चीज़ें बेचता है। मीन्स व्हाट, कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं वो 80%। तो आपका जो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा बेटे जी वो कैसे होगा, इसको 1040 डिवाइडेड बाय 80 टाइम्स 20 कीजिए प्लीज, व्हाट कम्स 260। मींस सेल्स कितनी आपकी 1300। अब इन सेल्स के बारे में उसने क्या कहा कि कैश रिसीव हुआ हमें, कहता है क्लब आल्सो रन अ टी स्टॉल, दिस टी स्टॉल इज द प्रॉफिट मार्जिन इज हियर। अब हमें क्या यहाँ पर कहीं पर टी स्टॉल की टेकिंग्स नज़र आ रही हैं? नहीं। व्हाट डज इट मीन कि हमें जो कैश बुक बनाना है उसमें टी स्टॉल की टेकिंग 1300 भी लिखना, फॉलोड? ये 1300 इन थाउजेंड ही चल रहा था ना, बिल्कुल इन थाउजेंड चल रहा था। तो ये 1300 बुक में टी की प्रोसीड्स आई हैं, सेल प्रोसीड्स, नहीं भूलना इसको। टेकन? ऑलराइट। अब हम क्या कुछ कर चुके अभी तक, तमाम पेमेंट्स कैश बुक में लिख चुके, लेकिन अब एक्सपेंसेस साइड में भी जरा लिखेंगे। हमारे पास रेंट 600 का, इज देयर एनी रिसीवेबल और पेएबल लाइक सॉरी ड्यू और एडवांस पेड प्रीपेड रिगार्डिंग, उसने कहा हुआ प्री पेमेंट ऑफ रेंट। ये तो आप एक्सपेंसेस में आइए। अच्छा, यहाँ पर आप प्रॉफिट ऑन टी स्टॉल, प्रॉफिट फ्रॉम टी स्टॉल ले लीजिए विच इज 260। रेंट, रेंट आपने जो पे किया हुआ है दैट इज 600
ओपनिंग एडवांस 40, क्लोजिंग एडवांस इज 50, आपके पास एक्सपेंस आ जाता है 590, आपने ये भी ले लिया। ऑलराइट, रेंट हो गया टी स्टोर, एनुअल फेयर एक्सपेंसेस 1450 के, और टेकिंग्स ऑफ एनुअल फेयर आप इसको चाहें तो नेट ऑफ करके लीजिए, चाहें तो आप इतनी बड़ी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप एनुअल फेयर टेकिंग्स इनकम में ले लें। That is 2150. इस पर कोई एडजस्टमेंट तो नहीं थी, और एनुअल फेयर एक्सपेंसेस हमारे पास 1450। ओके, ऑलराइट, आउटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, प्राइजेस फॉर वेस्ट इवनिंग, रिपेयर टू स्नूकर, रिफ्रेशमेंट एट सोशल इवनिंग, इसको भी लिखता हूँ मैं, देख लूँ कोई हमारे पास एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इन्वेंट्री पेएबल एडजस्टमेंट्स तीनों हो चुकी हैं, इस पर हमें अब कोई इशू नहीं है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन ओल्ड टेबल, ओके, आउटिंग का आप क्या कह रहे हैं बेटे, कॉन्ट्रीब्यूशन है आउटिंग की, ठीक है, आउटिंग की कॉन्ट्रीब्यूशन 300, और आउटिंग के एक्सपेंसेस हमारे पास 370। ऑलराइट, व्हाट कम्स, प्राइजेस फॉर वेस्ट इवनिंग, हाउ मच वाज द अमाउंट, दैट इज 90, देन रिपेयर ऑफ स्नूकर 35, then comes refreshment at social evening 240, okay, अब आप ये काम कीजिए, आपने जो है सेल किया उस पर देखिए कि आपको गेन और लॉस क्या हो रहा है, आपके पास ओल्ड टेबल टेनिस थी 30 की, और दैट वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 40 पे सेल किया, आपको गेन हुआ, इस पर डेप्रिसिएशन का हमने इम्पैक्ट नहीं लिया क्योंकि उसने कोई हमें डेट वेट भी नहीं बताई हुई थी, तो वी आर डन विद दिस एज वेल। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेप्रिसिएट हो रहा है 20% पर एनम ऑन नेट बुक वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ द इक्विपमेंट हेल्ड ऑन 30th जून ईच ईयर, हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2560 के ओपनिंग बैलेंस मौजूद, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को देख लीजिए, ओपनिंग बैलेंस मौजूद 2560, इसमें ओल्ड टेबल टेनिस हमने जो बेची है वो 30 की थी, वो यहाँ से निकल गई
और न्यू हमने बाय की है विच इज 250। ओके 250 न्यू बाय हो गई, ये वाली पेमेंट भी हमारी अकाउंट फोर हो गई, रिसीट्स हमारी अकाउंट फोर हो गई, ओपनिंग बैलेंस 30 का हमने लिख लिया हुआ है, क्लब के हो गए इनकम्स, और व्हाट कम्स नेक्स्ट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन। अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इस वक्त हमारे पास बाकी क्या बचता है जी, 210 2810 माइनस 30, कैरी फॉरवर्ड बैलेंस कितना है 2780। इस पे डिप्रीसिएशन चार्ज करेंगे आप, डिप्रीसिएशन 2780 टाइम्स 20% गिव्स यू ऊंची 556। डिप्रीसिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 556, ये भी हो गया। ओके पेमेंट साइज कंप्लीट हो गई, रिसीट साइड कंप्लीट हो गई, 20% मार्जिन वाला काम भी हमने कर लिया, 30,000 ओपनिंग कैश हमने इधर ले लिया हुआ है। ओके उसके बाद हम आगे बढ़े, इनकम रिसीव हमने ले ली हुई हैं सब्सक्रिप्शंस के हवाले से, कैश में जितना रिसीव हुआ वो भी ले लिया हुआ है सब्सक्रिप्शन का, और उसके बाद आगे बढ़े, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का अकाउंट बनाया, हो गया इन्वेंट्री ओपनिंग क्लोजिंग हो गई। ऑलराइट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20% पर एनम पे डेप्रिसिएट हो गया, ओल्ड टेबल टेनिस 40,000 पे बिक गई, जब बिकी तो हमें कैश रिसीव हुआ, वो टेबल टेनिस का कैश जो है वो हमें कितना रिसीव हुआ 40 का, ओल्ड टेबल टेनिस का कैश रिसीव हुआ, वो भी हमने ले लिया। वेरी वेल डन, हमारे पास कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्या है जी, टिक टिक करें, डेबिट साइड का टोटल 30+2450+1520+400+1300+40 5700, और कैरी फॉरवर्ड बेटे जान क्या निकल रहा है, माइनस 3935 किया तो क्या है 1765। डबल चेक कर लो बेटे साहब। ओके दोबारा वो बेटे 30 का एसेट 40 में बेचा था हमने, 30 देखो इट वॉज रिकॉर्डेड, 30 का हमारे पास पहले से मौजूद था, 30 का एसेट था, हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के अकाउंट में 30 के राइट साइड पे लिखा, आउट हुआ 40 उसके अगेंस्ट हमें कैश रिसीव हुआ जी बेटे। डेबिट साइड पे टोटल 5740, कोई बात नहीं ये हो जाता है इसमें, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ डबल चेक कर रहे हैं, 5740 कितना आ रहा है 1805। ओके अच्छा बेटे जान अब फौरी तौर पे आप क्या कर रहे हैं, अब हम बैलेंस शीट की आइटम्स भी साथ साथ लिखेंगे, अभी मैं कुछ भी क्लोज नहीं कर रहा, ये हमारे पास इनकम्स बैलेंस शीट बनाने से पहले मुझे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी रिक्वायर्ड होगी, कैपिटल फंड निकालना मैंने एज ऑन ओपनिंग डेट, ठीक है ना जी, क्योंकि कैपिटल फंड तो इसका कैलकुलेट करना है ना, इसके ओपनिंग डेट के एसेट्स एंड ओपनिंग डेट की लायबिलिटीज मुझे चाहिए। ओपनिंग डेट के एसेट्स में हमारे पास कैश
30 है, और उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2560, 2560, और इन्वेंट्री 120, और एडवांस रेंट था, इन्वेंट्री एडवांस रेंट 40, सब्सक्रिप्शन ओपनिंग ड्यू थी कोई, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन है 100 की ओपनिंग एडवांस थी, लायबिलिटीज में ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन 100। अच्छा जी, हम कर चुके और ओपनिंग एडवांस वहां से मैंने ले लिया, एसेट्स ये लिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग ले लिया, ओके गुड टू। नेक्स्ट क्या आता जी, इसका टोटल 2590 प्लस 120 प्लस 40 2750 माइनस 100 गिव्स मी। जी बेटे जान, टी परचेजेस के फोर, ओ वो नहीं मैंने लिए, सॉरी, टी पेएबल बिल्कुल जेन में था मेरे, 110 के टी पेएबल, 110 210 सब्ट्रैक्ट 2540 इज माय कैपिटल फंड। अब मैं यहां पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहा हूं एज ऑन, मेरी क्लोजिंग डेट क्या है, 31 मार्च 2016 के डिफरेंट है, 30th जून 2016 है, 30th जून 2016। ऑल राइट, रुपीज इन 1000 चल रहे हैं और मेरे पास एसेट्स हैं, ओके अब एसेट्स में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सबसे पहले लिख लीजिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने अभी अकाउंट बनाया था 2780 डेप्रिसिएशन 556, व्हाट कम्स, ट्रिपल 4,2224, ओके। उसके बाद सब्सक्रिप्शन ओइंग, कोई रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन, उसके बाद इन्वेंटरी हमारे पास टी स्टॉल की है, ठीक है, और एडवांस रेंट, ये कुछ चीज़ें मुझे ज़ुबानी अभी जहन में है, और फिर कैश एट बैंक ये आ जाएगी। अच्छा जी, हमारे पास इन्वेंट्री 60 की है जी, इन्वेंट्री 60, सब्सक्रिप्शन ओइंग यहाँ पे हमने वर्किंग की हुई है, हमारे पास सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग ओइंग 80, सब्सक्रिप्शन ओइंग इज 80, एडवांस रेंट यहाँ दिया हुआ है हमें, एडवांस रेंट इज 50। अब देखें हर पॉइंट पे आपको मार्क्स मिल रहे हैं, कैश हमने कैरी फॉरवर्ड कैलकुलेट किया था अभी, दैट वाज 1805, ऑल राइट। अच्छा जी, नहीं बेटे क्लोजिंग बैलेंस, ये हमने कैश, क्लोजिंग बैलेंस, ओके, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया, कैश हो गया हमारे पास, और वेल, अभी हम लायबिलिटीज की तरफ आ रहे हैं, ओनर्स पहले इसका कैपिटल फंड, कैपिटल फंड
हमारे पास ओपनिंग बैलेंस वी ब्रॉट फ्रॉम द स्टेटमेंट फेस 2540 सरप्लस या डेफिसिट वट एवर, देखेंगे क्या आता है, उसको एडजस्ट करना है। मैं बेटे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, मैं किसी चीज़ का भी टोटल नहीं कर रहा, ठीक है, ओपन छोड़ के आगे चलता चला जा रहा हूँ। इस चीज़ को बिल्कुल बॉदर नहीं करेंगे, टोटल करना ज़रूरी है ना, इस चीज़ को बॉदर करेंगे, बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, ठीक है। एग्जामिनेशन प्रेशर में आप सिर्फ जहन को हाजिर दिमाग हाजिर रखें जहन को, और चीज़ें जगहों पर प्लेस करते चले जाएँ। अच्छा जी, अब हमारे पास लायबिलिटीज़ हैं, लायबिलिटीज़ में हमारे पास कोई क्लोजिंग एडवांस में रिसीव हुई है सब्सक्रिप्शन नहीं, ओके। उसके बाद लायबिलिटीज़ में हमारे पास पेएबल फॉर परचेजेस, टी स्टॉल परचेजेस, पेएबल वन नाइन्टी टी का पेएबल, ऑलराइट। और ऊपर से आप देखते चल दे नीचे हमारे पास सर, जी बेटे सर टू फैमिली मेंबर्स की एडवांस सब्सक्रिप्शन भी थी जो जून 2015 वो बेटे जान वो ओपनिंग एडवांस थी ना, तो ओपनिंग एडवांस हमने ओपनिंग स्टेटमेंट में ले ली, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जब हमने बनाई तो यहाँ पर हमने ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन ले ली, ठीक है, टू फैमिली मेंबर्स की। अच्छा जी, उसके बाद हमने अब देख लीजिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया, इन्वेंट्री क्लोजिंग 60 हो गई, पेएबल क्लोजिंग हो गया, रेंट प्रीपेड 50 हो गया। बैलेंस शीट आइटम कोई आपको ये बेटे देखिएगा, नथिंग, ओके, टोटल कर लें, देखते हैं क्या बनता है। ओके, इनकम्स हमारे पास 2100 प्लस 260 प्लस 2150 प्लस 300 प्लस 10 4820। एक्सपेंसेस ट्रिपल 31। जी बेटे सब, जी बेटे जान 556 डेप्रिसिएशन है, लेस कीजिए क्या आता है सरप्लस 1489 सरप्लस, कोई बात नहीं दोबारा देख लेंगे 14 सरप्लस ऐड करें इसमें 4029 टी लायबिलिटी 4219 तो टैली कर गया 4219 ठीक है, टैली हो गया, तो टैली होने का खुशी नहीं मनानी एग्जाम में, बस उसी सादगी में अगला सवाल शुरू करते हैं, अगर टैली ना हो तो फिर खुशी मनानी है, ओके, क्योंकि जब दिस इज फैक्ट आई एम सेइंग, एग्जाम में बैलेंस शीट टैली अगर नहीं होती अल्लाह का शुक्र अदा करो अगला सवाल शुरू कर दो relax.com। नहीं, यही तो बात आपने प्रैक्टिस करनी है, यकीन कीजिए अगर ये बैलेंस शीट टैली ना होती मैं एग्जामिनेशन में बैठा होता मैं कभी दोबारा मुड़ के ना देखता इसको, बिल्कुल। उसकी रीजन क्या है कि जो मैंने इधर पीछे 10 मिनट लगाने हैं 10 मिनट में नए क्वेश्चन के 10 मार्क्स मैंने गेन करने, इसको ढूंढने जाऊंगा हो सकता कोई एक नंबर की गलती हुई हो, ठीक है ना। देखो ना, सपोजली मैंने डेप्रिसिएशन गलत चार्ज की, सपोजली यहां पे डेप्रिसिएशन माइनस करना भूल गया हूं, मुमकिन है डेप्रिसिएशन यहां पे माइनस नहीं की, मैंने डायरेक्टली लिख दिया 2780 लिख दिया बैलेंस शीट के अंदर, क्या होगा उससे,
मैक्सिमम एक नंबर कटेगा, लेकिन उसको ढूंढने में 10-15 मिनट में लगा दूंगा, और अलग डिप्रेशन, पसीने छूट रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह माफ़ कर दे, मुझे फलाना भी गुनाह याद आ रहा है, या अल्लाह वो भी हुआ था, प्लीज़ मैं आइंदा नहीं करूँगा, प्लीज़ प्लीज प्लीज बस मैं आप ये मुझे प्लीज ढूंढवा दे, प्लीज 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 के अंदर 10-15 मिनट गए फिशू के कभी बैलेंस शीट के आउट होने पे आपने डिप्रेशन में नहीं जाना। आप जो काम कर रहे हैं बी कॉन्फिडेंट के ठीक कर रहे हैं, हो गया नया क्वेश्चन शुरू। कैश फ्लो, बैंक रिकंसिलेशन, बैलेंस शीट, कोई भी चीज जिसमें आपके टैले होने का एक मतलब होता है, यार वो टैली हो गई यार, ठीक है, वो काम नहीं करना, क्योंकि आपको एग्जामिनर ने स्टेप्स के मार्क्स देने हैं। एग्जामिनर ने टैली होने के, हो सकता है एक नंबर रखा हो और एक नंबर ये गलती का, 2 नंबर 18 नंबर आ गए यार 20 में से, काफी नहीं है, हो सकता गोल्ड मेडल ले लो। यकीन कीजिए अगर इस अंदाज से चलेंगे 48 वाली बात है ही नहीं है, क्योंकि आप तो मार्क्स पे मार्क्स ले ही जा रहे हैं। अगर आप डिप्रेशन में आके पीछे देखेंगे फिर 48 वाली बात हो सकती है, तो 1 या 2 नंबर के पीछे नहीं भागें, अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, वंडरफुल, माशाल्लाह, दैट्स गुड। जी बेटे जान, ठीक बात, ओके बेटे जी, थैंक यू वेरी मच। कल मैंने आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट काम करवाना है, आज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन ये भी मैं भेजूंगा व्हाट्सएप, प्रैक्टिस मटेरियल ये 3 फाइल्स आपके इंशाल्लाह शेयर करूंगा। कल मैंने आपके साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एनपीओस डिस्कस करने हैं, ओके, एएसएनपीओ, और मुझे लगता है कि इसमें 10 नंबर का सवाल छुपा हुआ है इस मत पर, एएसएनपीओ, ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर, अल्लाह हाफिज़।